हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। आज क्लास अपन कंटिन्यू करेंगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा प्रौद्योगिकी प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। शॉर्ट में एक बार आपको मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ कल वाली क्लास को। अपन ने डिफेंस सिस्टम को देखा कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स होती है। फिर आर्मी में अपन ने मिसाइलों के बारे में जाना, मिसाइलों का अपन ने वर्गीकरण किया। ट्रिक आप याद रखना चाहो तो याद सकते हो, प्लग में। इसका मतलब होता है कि एक प्लग में मिसाइल कहीं से कहीं चली जाती है, तो क्या याद रखेंगे, प्लग में। पैसे होता पथ के आधार पर, पथ के आधार पर मिसाइलें कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। लेफोर होता लक्ष्य के आधार पर, लक्ष्य के आधार पर मिसाइलें कितनी प्रकार की होती है, कमेंट करना। गति के आधार पर मिसाइलें कितनी प्रकार की होती है, कमेंट करना। और ये मारक क्षमता के आधार पर मिसाइलें कितने प्रकार की होती है, पांच प्रकार की, आपको मैंने बताया था। तो ये हो गया प्लग में। पथ के आधार पर, लक्ष्य के आधार पर, गति के आधार पर और मारक क्षमता के आधार पर मिसाइलों के बारे में अपन ने जान लिया। अब जो जानेंगे वो देखेंगे कि भारत में मिसाइलों का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, मिसाइलें भारत में कब विकसित हुई, कैसे विकसित हुई, मिसाइल कार्यक्रम भारत का क्या था, उसके बारे में डिटेल के साथ में स्टडी करेंगे। आज की क्लास में अपन बेसिकली मिसाइलों के बारे में जान लेंगे कि इन मिसाइलों का डेवलपमेंट कब हुआ, कैसे हुआ। तो आपको हेडिंग लगाना मिसाइल कार्यक्रम। मिसाइल कार्यक्रम, देखो जो भी मिसाइलें बनाई गई है वो मिसाइलें बेसिकली दो कैटेगरी में अपने को देख सकते हैं। एक मिसाइल प्रोग्राम है वो 1983 में शुरू किया गया, उस प्रोग्राम के तहत विकसित पांच मिसाइलों के बारे में जानेंगे। और दूसरा वो मिसाइलें जो इस प्रोग्राम के अलावा बनाई गई उनके बारे में जानेंगे। तो मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत आपको मेंस में 100 शब्दों में पूछ सकता है। तो ये 1983 में शुरू हुआ, आपको ध्यान रखना, कलाम साहब के निर्देशन में 1983 में। पहली बात तो आपको याद रखनी कि भारत का मिसाइल कार्यक्रम 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में शुरू हुआ। इसका नाम रखा गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नाम क्या है इस प्रोग्राम का, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 1983 में शुरू हुआ, किसके निर्देशन में, डॉक्टर कलाम साहब के। ठीक, इसको लिख सकते हैं, मैं इंग्लिश में ही लिखवा देता हूं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसका नाम है। अब क्वेश्चन आपको परीक्षा में दो प्रकार से पूछ सकता है, भारत का मिसाइल कार्यक्रम कब शुरू हुआ, आप कहना सर 1983 में शुरू हुआ। भारत का मिसाइल कार्यक्रम किसके निर्देशन में शुरू हुआ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के निर्देशन में शुरू हुआ, यहाँ से मिसाइलें बनना शुरू हुई। तो इसके तहत कौन कौन सी मिसाइलें बनाई गई, तो उनका नाम अभी मैं आपको जस्ट आगे बताता हूँ, पटना इसकी शॉर्ट ट्रिक है, उससे याद करेंगे। और इस कार्यक्रम का नाम क्या था, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका नाम था। अब आपको आगे लिखना कि इस प्रोग्राम के तहत कितनी मिसाइलें बनाई गई, इसके तहत पांच मिसाइलें, असल में पांच मिसाइल नहीं है, ये मिसाइलों की श्रृंखला है, सीरीज है। इसका मतलब अग्नि मिसाइल बनाई गई मान लेते हैं,
पृथ्वी बनाई गई तो अग्नि में बहुत सारी मिसाइलें बनाएगी, पृथ्वी में बहुत सारी मिसाइलें बनाएगी, त्रिशूल में बहुत सारी मिसाइलें बनाएगी, नाग में बहुत सारी, आकाश में बहुत सारी। इसका मतलब ये है कि ये एक सीरीज है, जैसे अग्नि की 5 मिसाइलें तो अग्नि एक श्रृंखला, तो ये 5 सीरीज की मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया। पहले लिखेंगे पृथ्वी, पृथ्वी श्रृंखला, फिर लिख लेंगे अग्नि, फिर लिखेंगे आकाश, फिर लिखेंगे त्रिशूल और फिर आप लिखेंगे नाग। नाग PATNA 1 2 3 4 5 पटना, क्या नाम है पटना, PATNA। ये पटना जो मिसाइल सीरीज है ये कब शुरू की गई, 1983 में। P4 क्या होता है, पृथ्वी होता है, A4 क्या होता है, अग्नि होता है, T4 क्या होता है, त्रिशूल होता है, N4 क्या होता है, नाग होता है, A4 क्या होता है, आकाश होता है। इसका मतलब पटना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पटना इसका शॉर्ट फॉर्म नाम है। तो पटना क्या है, पटना के तहत 5 मिसाइलों की श्रृंखला शुरू की गई, ये आपके सामने मैंने नाम लिख दिए। कब शुरू हुआ प्रोग्राम, 1983 में हुआ। किसके निर्देशन में शुरू किया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साहब के निर्देशन में। क्यों शुरू किया गया, क्योंकि भारत को मिसाइल के मामले में पावरफुल शक्तिशाली बनाना था। ये हो गया साहब मिसाइलों का बेसिक वर्गीकरण। अब आपको परीक्षा में पूछ सकता है पृथ्वी श्रृंखला के बारे में, अग्नि श्रृंखला के बारे में, आकाश श्रृंखला के बारे में, त्रिशूल के बारे में और नाग के बारे में। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब जो बात करेंगे वो एक एक मिसाइल को लेकर अपन बात करने वाले, पर यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्या पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग, शॉर्ट फॉर्म क्या पटना, कब शुरू हुआ, 1983 में। अब एक एक को लेते, पहले लेंगे पृथ्वी को। तो बताओ पृथ्वी एक है या पृथ्वी एक श्रृंखला है, पृथ्वी एक श्रृंखला जिसमें 5 मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया इस श्रृंखला में। पृथ्वी एक, पृथ्वी दो, पृथ्वी तीन, फिर प्रद्युमन और फिर अश्विन, ये 5 मिसाइलों की एक सीरीज शुरू की गई जिसका नाम है पृथ्वी श्रृंखला। अब लिखते हैं पृथ्वी के बारे में, लिखिए पृथ्वी। इसका मतलब जहां भी पृथ्वी मिसाइल का नाम आपको दिखे आप क्या बताएंगे कि एक सीरीज शुरू की गई है, पृथ्वी श्रृंखला शुरू की गई है, इसमें कितनी मिसाइलों का डेवलपमेंट हुआ है, 5 का, इस सीरीज में 5 का। पहले लिखेंगे पृथ्वी फर्स्ट, लिखिए आप पृथ्वी फर्स्ट, फिर लिखेंगे पृथ्वी टू, पृथ्वी थ्री, फिर दो नाम और है, एक प्रद्युमन और एक अश्विन। प्रद्युमन और अश्विन, अश्विन। अब आपको परीक्षा में पूछ लेगी प्रद्युमन और अश्विन कौन सी श्रृंखला की मिसाइलें हैं, तो आप बता देंगे कि साहब ये है पृथ्वी श्रृंखला की मिसाइलें। कौन कौन सी हैं, पृथ्वी एक, पृथ्वी दो, पृथ्वी तीन, प्रद्युमन और अश्विन। अब वैसे तो आप लोगों के लिए बहुत टफ हो जाता है कि एक एक मिसाइल की डिटेल में आप जाना और फिर उसको डिटेल याद कर लेना। परीक्षा में मेरे हिसाब से आने की संभावना नील है। एक एक लाइन आपको मैं बता देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको सहूलियत रहे पढ़ने में। तो सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी एक की। 1983 में जब प्रोग्राम शुरू किया गया तो पहली जो डेवलपमेंट का कार्यक्रम वो पृथ्वी का किया गया। पृथ्वी एक है वो 150 किलोमीटर की मारक क्षमता की थी, ये याद आपको नहीं करना है। और वर्तमान में भारतीय सेना के पास में है और 1983 में इसको सेना को समर्पित कर दिया गया था। तो
पृथ्वी फर्स्ट 150 किलोमीटर मारक क्षमता और 1983 में भारतीय सेना को सौंप दिया गया। ये बहुत टफ होता है क्योंकि 20-30 मिसाइल पढ़ेंगे तो हर एक मिसाइल के बारे में याद कर लेना थोड़ा सा टफ है। कोई खास बात नहीं है इसलिए इसको याद नहीं करना है, जिसकी खास बात आएगी मैं याद करवा दूंगा। पृथ्वी दो आई तो इसका मतलब इसका कुछ उन्नत संस्करण आएगा। पृथ्वी दो की जो मारक क्षमता है वो इसकी 150 और उसकी 250 है, 250। डेवलपमेंट का काम 1994 में, और किसके लिए डेवलप किया गया? इसे भारतीय वायुसेना के लिए, एयरफोर्स के लिए वायुसेना, क्योंकि नेवी को तो काम में लेनी नहीं है ये, इसलिए। पहला पृथ्वी फर्स्ट 150 किलोमीटर मारक क्षमता 1988, और पृथ्वी जो टू है ये 1994 में डेवलप हुई, और ये किसके लिए बनाई गई? खास वायुसेना के लिए। आर्मी को आपने दे दी, एयरफोर्स को दे दी, तो अब किसका नाम आएगा? नेवी का। नेवी के लिए आपने पृथ्वी तीन बनाई 2004 में। अब यहां से क्वेश्चन आता है आपके परीक्षा में, क्योंकि ये विशेष है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, इसको स्टार लगा दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी श्रृंखला की कौन सी मिसाइल धनुष के नाम से जानी जाती है? पृथ्वी तीन, इसका नाम है धनुष। और किसके लिए बनाई? इसको नेवी के लिए, नौसेना, नौसेना। क्योंकि इन दोनों में कोई खास नहीं था, पृथ्वी एक पृथ्वी दो में, पृथ्वी तीन इंपॉर्टेंट है। तीन में तीन नाम है और धनुष में तीन नाम है, तो यूं करना कि पृथ्वी तीन जो है वो धनुष उसका नाम है, और ये नौसेना के लिए खास डिजाइन की गई। अब जो दो आगे आएंगी प्रद्युमन और अश्विन, आपको ये ध्यान रखना कि प्रद्युमन जो अश्विन है ये प्रद्युमन इंटरसेप्टर मिसाइल है। आपको पता है कि जब भी कोई दुश्मन देश की मिसाइल आपके ऊपर आती है तो आपको एक डिफेंस भी करना पड़ता है, अपने को बचाव करना पड़ता है, तो इसलिए पृथ्वी एडवांस डिफेंस इसका नाम रखा गया है, PAD। मैं इस प्रद्युमन को अगले पेज पे लेता हूं, वापस रिकॉल करो। पृथ्वी एक 1988, 150 किलोमीटर की मारक क्षमता। पृथ्वी दो 250 किलोमीटर 1994 और एयरफोर्स। पृथ्वी तीन 2004, नाम इसका धनुष, नौसेना के लिए। अब बात करते हैं प्रद्युमन की। प्रद्युमन पृथ्वी श्रृंखला में डेवलप की गई मिसाइल है जो इंटरसेप्टर का काम करती है। दो मिसाइलों का इंटरसेप्टर है, एक प्रद्युमन का और दूसरा अश्विन का। प्रद्युमन के लिए जो इंटरसेप्टर डेवलप किया उसका नाम PAD रखा गया है, मैं भी लिख देता हूं प्रद्युमन। तो चौथे नंबर की मिसाइल अपन पढ़ रहे हैं प्रद्युमन। प्रद्युमन ये डिफेंस सिस्टम के लिए है, मतलब डिफेंसिव के लिए, डिफेंस के लिए, डिफेंस मतलब सेना ने अपना डिफेंसिव करना, बचाव, डिफेंस के लिए। और इसका जो डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है PAD, पैड। इसको बोलते हैं पृथ्वी एडवांस, हिंदी में लिखता हूं डिफेंस। अब आपको परीक्षा में पूछा जाए कि पैड क्या है, PAD, व्हाट इज PAD, तो PAD बोलना सर ये पृथ्वी एडवांस डिफेंस है। पृथ्वी श्रृंखला की जो प्रद्युमन मिसाइल है ये भारत में डिफेंसिव सिस्टम के लिए, बचाव सिस्टम के लिए इसको डेवलप किया गया, नाम इसका PAD रखा गया, पृथ्वी एडवांस डिफेंस। दो मिसाइल डिफेंस के लिए, बचाव के लिए। अब आएगा अश्विन, तो पांचवी मिसाइल कहेंगे अश्विन। अश्विन अश्विन
ये मिसाइल बताने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं सूचना देने वाला हूं, ये आपके फायदे के लिए, मेरे लिए नहीं, ये केवल आपके फायदे के लिए। अश्विन, अश्विन भी डिफेंसिव सिस्टम के लिए है, डिफेंसिव सिस्टम के लिए, डिफेंस के लिए। और इसका जो डिफेंस का सिस्टम है उसका नाम है एड, डबल एडी एड। तो अब आपको परीक्षा में पूछ ले पैड और एड क्या है, पैड और एड, तो क्या बताओगे? सर पैड का नाम है पृथ्वी एडवांस डिफेंस और एड का नाम है एयर एडवांस डिफेंस, ये हवा में डिफेंस, एयर एडवांस डिफेंस। इसको इंग्लिश में तो एयर या हिंदी में लिख देता हूं, चलो एयर एडवांस डिफेंस। एयर एडवांस डिफेंस पांच आपको याद रखनी है। पहली आप याद करेंगे पृथ्वी एक, फिर याद करेंगे पृथ्वी दो, फिर याद करेंगे पृथ्वी तीन, फिर याद करेंगे पृथ्वी चार और फिर याद करेंगे पृथ्वी पांच। दो बहुत खास बात आपको बताई है, एक पृथ्वी तीन के बारे में बताइए, एक पृथ्वी चार और पृथ्वी पांच। पांचों का मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं ताकि आपकी दिक्कत नहीं आए। दो पहले ही नहीं पढ़ के जानी है, वो परीक्षा में नहीं आएंगी। मैं लिखता हूं यहां पे शॉर्ट में, पृथ्वी तीन, पृथ्वी चार और पृथ्वी पांच। तो चार पांच के नाम स्पेशल है, इसका नाम लिख लेंगे अपन प्रद्युमन, प्रद्युमन, इसका नाम लिख देंगे अश्विन। तीन क्यों खास है? क्योंकि इसका नाम धनुष है नेवी के लिए। ये क्यों खास है प्रद्युमन? क्योंकि ये पैड बनाता है। ये क्यों खास है? क्योंकि एड बनाता है। हो गया, ये आपको याद रखना है। आरएस मेंस में है तो ऐसा उत्तर लिख के आए आप डिटेल के साथ में, एग्जामिनर को लगे कि आप पूर्व कोई आर्थिक पूरा कोई डिफेंस के सलाहकार रहे हुए, आपको सारा सिस्टम पता है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लिख के आ सकते हैं, वो भी बहुत साधारण भाषा के साथ में। इन्फॉर्मेशन ये है, प्रीलिम्स की तैयारी मैं आपको यूट्यूब पर करा रहा हूँ, वो आपको कंप्लीट करवाएंगे। अब देखो ये बोलना तो गलत है कि बहुत ऐसी करवा रहे हैं कि कोई नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि जिन किताबों को पढ़ के अपन पढ़ा रहे हैं वो किसी ने लिखा भी हुआ है। तो मेरे से बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पर मैं भी उसमें प्रयास कर रहा हूँ, तो प्रीलिम्स तो आपको वैसे तैयार करवा देंगे बहुत बढ़िया तरीके से, प्री में आपको पूरा तैयार करा देंगे। पर एक ज़रूरी और है कि प्रीलिम्स से आरएस नहीं होगा, इसके लिए आपको मेंस का एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए। हालांकि मैं स्ट्रेटेजी पर एक वीडियो बनाऊंगा कि अभी के समय को आप अपने दो भागों में बांटेंगे, एक तो पूरा प्री पढ़ेंगे, दूसरा मेंस पे थोड़ा फोकस करेंगे। आरएस मेंस निकालने के लिए आपको दो चीज़ों पे अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी, एक चौथा पेपर जिसको हिंदी इंग्लिश का बोलते हैं वो, और एक छोटे सब्जेक्ट हैं आरएस में, सोशियोलॉजी है, मैनेजमेंट है, ऑडिट अकाउंट है, इसके अलावा बिहेवियर है, इसके अलावा स्पोर्ट्स योगा और लॉ, ये छः छोटे सब्जेक्ट हैं। प्री के साथ साथ आप इन छोटे सब्जेक्ट को कमांड बना लो अभी से, और आपके पास 20-20 पेज के नोट्स हो के 100 पेज का एक रजिस्टर तैयार हो, ये टोटल 120 नंबर का आएगा, और 200 नंबर का चौथा पेपर, इसी से लगभग आपका इंटरव्यू कॉल हो जाता है। मेरा सुझाव है, आपको ठीक लगे तो ठीक है, क्योंकि जैसे ही बताते इतने बच्चे तो जुड़ जाते हैं कि जितनों की डिमांड होती है, और उतने चाहिए होती है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। सबकी जिम्मेदारी ले ली तो फिर बैच तो फुल हो जाएगा, बच्चे बहुत सारे आ जाएंगे, पर अपनी क्वालिटी अपन मेंटेन करेंगे नहीं, उनसे वन टू वन बात नहीं कर पाएंगे। साइंस जैसे विषय को इस आसानी के साथ में पढ़ाया जा सकता है, तो सोशियोलॉजी मैनेजमेंट सही में कुछ नहीं है, वो 15-15 घंटे 18-18 घंटे के गेम है, आप उनको रट लेंगे। इसके लिए देखिए सब कुछ फ्री नहीं दिया जा सकता है, आपको भी पता है, और देना भी नहीं चाहिए, उसका वो वैल्यू होता नहीं है ना, आप तब तक उसको सीरियस लेते हैं। इसके लिए एक बैच शुरू किया है, मतलब करेंगे 3 दिन बाद में, गुरुवार से अगले बुधवार से वो बैच शुरू हो रहा है। बुधवार का मतलब होता है कि आज कितनी तारीख हो गई, आज तारीख है 16, तो 16 का संडे है, 17 का सोमवार है, 18 का मंगलवार है, 19 तारीख से मतलब 19 जुलाई से आपको बैच मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को 6 सब्जेक्ट जो मैं आपको बता देता हूँ,
ये 6 सब्जेक्ट, इसमें पहला सब्जेक्ट है बिहेवियर, जो फर्स्ट वीक में अपन बिहेवियर कवर कर लेंगे, 15 क्लास में 20 नंबर का कंटेंट तैयार करवा दूंगा। दूसरे वीक में ऑडिट अकाउंट तैयार कर लेंगे, 15 क्लास में आपको रटवा दूंगा मैं। तीसरे वीक में सोशलॉजी तैयार करेंगे, 15 क्लास में। चौथे वीक में लॉ तैयार करेंगे, लगभग 20 से 25 क्लास होंगी। पाँचवें वीक में अपन मैनेजमेंट तैयार करेंगे और छठे वीक में अपन स्पोर्ट्स और योग अपन तैयार करेंगे। तो कुल मिला के 6 वीक का प्रोग्राम है, 120 में से टारगेट करेंगे कि 100 नंबर मैं रटवा दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए इतना अग्रेसिव मुद्रा में, पर मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इन पर विश्वास है। जैसे साइंस जैसे विषय को मैं आपको याद करवा सकता हूँ, पब्लिक एड जैसे सब्जेक्ट को मैं अच्छे से याद करवा सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात है आपको याद करवाना। और आपके 100 पेज के मैं नोट्स तैयार करवा दूंगा, आपको इच्छा हो तो इस बैच को ज्वाइन कर लेना, नहीं इच्छा हो तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जितने एसटीएम और डिप्टी की पोस्ट है उतने लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो जिनके मैसेज हैं, सर ऐसा कोई बैच हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। खास मेरा ऐसा कोई नहीं कि प्री का बैच चला दिया, ये मेंस का बैच चला दिया, ये एक बैच है जो आपको मिल जाएगा। इसमें आपको मैं छोटे सब्जेक्ट सारे तैयार करा दूंगा, आपको दिन का केवल 1.5 घंटा देना है मुझे, शाम को या रात को कभी भी, और प्रीलिम्स तक पढ़ते जाइए और मज़ा आएगा आपको, आप सारा सीख लेंगे। इसको प्रचार नहीं मानिए, ये आपके लिए सूचना है मात्र। अब बात करते हैं, नीचे आपको नंबर दिए हुए हैं, ऐप पे आप खोल के देखेंगे इंडियन एजुकेटर, तो आपको ये कोर्स दिख जाएगा, इनरोल हो जाइए। और अभी 2-3 दिन के लिए इसकी फ़ीस बहुत लिमिटेड रखी गई है, फिर क्योंकि कम जोड़ दें तो फिर ज़्यादा फीस अपने आप हो जाएगी, ताकि दिक्कत आए नहीं। अब बात करते हैं, यहाँ तक आपने सीख लिया होगा, पृथ्वी तक आपने तैयार इसको कर लिया होगा। अब जो बात अपन करने वाले वो बात करेंगे त्रिशूल की, ये आपको ध्यान रखना, त्रिशूल। तो अगली लिखे त्रिशूल के बारे में, त्रिशूल। एक दो दिन से आपकी ज्योग्राफी की क्लास भी शुरू हो जाएगी, साइंस करवा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स भी शुरू कर देंगे यूट्यूब पे, और रटवा देंगे शुरू ही क्या कर देंगे आपको, ये सब्जेक्ट मजाक लगने लग जाएंगे, इस तरह से आपको तैयार करवाएंगे। सारा जो एनर्जी है वो सारा का सारा अच्छे से तैयार करवा देंगे आप लोगों को, ठीक। अब बात करेंगे त्रिशूल की, त्रिशूल पे आपको प्री में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1989 में त्रिशूल के लास्ट में 9 आ रहा है, 9 त्रिशूल चाहिए आपको, बोले नहीं चाहिए, तो ये 9 आ रहा है, 9 त्रिशूल। देखिए पृथ्वी फर्स्ट कब थी, 88 में, उसके एक साल बाद में त्रिशूल आ गया 89 में, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इस पर एक राडार लगा हुआ है, फ्लाइंग कैचर राडार, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्लाइंग कैचर राडार, राडार सिस्टम, फ्लाइंग कैचर किस पे लगा हुआ, त्रिशूल पे। त्रिशूल हवा में फ्लाई होता है, उसको पकड़ सकते हैं, तो फ्लाइंग कैचर त्रिशूल पे, याद रखना। इस पे एक राडार यूज किया गया, राडार, फ्लाइंग कैचर, फ्लाइंग कैचर। अब आपको प्री में पूछेगा फ्लाइंग कैचर राडार किस पर यूज किया गया, आप बोलना सर त्रिशूल पे यूज किया गया। फ्लाई का मतलब उड़ना होता है, उड़ने वाले को कैच करना, क्या उड़ेगा, त्रिशूल उड़ेगा, उसको कैच कर लेंगे, तो त्रिशूल पर फ्लाइंग कैचर आडार लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, पृथ्वी का नेवी संस्करण क्या था बताओ, पृथ्वी का नेवी संस्करण क्या था, धनुष। त्रिशूल का नेवी संस्करण तारपीडो है, जो आपने अखबार में पढ़ा है तारपीडो। इसका जो नेवी संस्करण है, नौसेना के लिए जो लाए हैं, नौसेना नेवी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ अलग से लिखते देखिए, हाँ ऐसे लिखते तो कि आपको थोड़ा सा मजा आएगा, नौसेना संस्करण, नौसेना, क्या नाम है इसका, तारपीडो, तारपीडो। ये देखो कैसे ब्लिंक कर रहा तारपीडो, ये देखो तारपीडो, क्या लिखेंगे, नौसेना तारपीडो। थोड़ी देर में तारपीडो गायब हो जाएगा, लिख लो इसको तारपीडो, ये गायब हो गया तारपीडो, तो नो सैनिक संस्करण क्या है इसका, तारपीडो, लिखेंगे इसको अच्छे से तारपीडो, तारपीडो। रट लिया आप लोगों ने, मेंस में क्वेश्चन आए त्रिशूल के बारे में लिखो फटाफट, पहला 1989, दूसरा फ्लाइंग कैचर राडार लगा हुआ है, तीसरा तारपीडो। बोले सर एक लाइन और बताओ, एक लाइन ये है, 1983 में मिसाइल कार्यक्रम के तहत विकसित की गई मिसाइल श्रृंखला में मिसाइल है, कौन सी, त्रिशूल। क्योंकि मेंस के आंसर ऐसे ही तैयार होते हैं, पृथ्वी को पूछे तो एक लाइन तो हो गई ना, 1983 के इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट मिसाइल कार्यक्रम के तहत विकसित एक मिसाइल, फिर इसकी डिटेल, अभी तक 5 आई है पृथ्वी, 1, 2, 3, और फिर प्रद्युमन और अश्विन, तीनों की डिटेल और एक एक नाम, ये हो गया त्रिशूल। अब बात करते आकाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आकाश की बात करते हैं।
अब लिखेंगे आप आकाश के बारे में, आकाश आकाश कितनी पढ़ ली अभी तक, दो, कौन कौन सी, एक पढ़ ली आपने पृथ्वी, दूसरी पढ़ ली त्रिशूल, अब बात करेंगे आकाश की। आकाश 90 में है, कब, 1990, तो देखो लगातार आ गया ना, पृथ्वी फर्स्ट 88, फिर त्रिशूल 89, आकाश 90, तो आकाश 90 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आकाश को इंपॉर्टेंट बनाता है कि आकाश की तीन आई है अभी, आकाश श्रृंखला में कितनी मिसाइलें हैं, तीन, तीनों याद नहीं करनी है। आकाश में कितनी मिसाइल, आकाश में नाम कितने हैं, एक दो तीन, और आकाश की तीन ही आई है, तो आकाश की तीन, एक बात तो ये। दूसरी बात, दूसरी बात यह कि आकाश इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आकाश पर दो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, एक आकाश पर राजेंद्र राडार लगा गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक स्टिल्थ टेक्नोलॉजी लगाई गई है, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र राडार, राडार का क्या नाम है, राजेंद्र राडार, राजेंद्र राडार, एक तो यह ध्यान रखना है, राजेंद्र राडार, और एक आपको जरूर दिमाग में रखना कि स्टिल्थ, स्टिल्थ का मतलब था चुरा, स्टिल्थ का मतलब चुराना। ये टेक्नोलॉजी समझाता हूँ कैसी होती है, राडार का नाम राजेंद्र, आकाश और राजेंद्र दोनों दोस्त हैं, देखो आकाश भी लड़के का नाम होता है, राजेंद्र भी लड़के का नाम होता है, राजेंद्र राडार, और इस पर जो टेक्नोलॉजी वो स्टिल्थ है, स्टिल्थ, बताता हूँ क्या है टेक्नोलॉजी, देखो बहुत शॉर्ट में, ऐसे जैसे कोई आपने मिसाइल है और मिसाइल के ऊपर आपने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लगाई है कि आपने स्टिल्थ टेक्नोलॉजी लगा दी, इसमें से गोल 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 बॉल टाइप होती हैं, ऐसे गोल गोल बॉल, तो मान लो ये आपकी कोई मिसाइल है, उस पर गोल गोल बॉल लगा दी। अब जनरली आप अगर रेडिएशन भेजते हैं और पता लग जाता है, यहां से टकरा के अगर जब वापस जाती है तो दुश्मन को पता लग जाता है कि साहब यहां पे कुछ ना कुछ है, स्टिल्थ क्या करती है, इनको घुमा देती है अलग दिशाओं में, तो जैसे ही इस पर ये रेडिएशन आया ये घुमा दिया इधर इस साइड में, वापस लौट के नहीं जाएगा इनके ऊपर, तो ये समझ जाएंगे कुछ नहीं है पर यहाँ पे बहुत कुछ है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, आपको जरूर ध्यान रखना। राडार क्या नाम है, राजेंद्र राडार, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी। एक चीज़ और रखनी है, इसमें जो इंजन है वो रैमजेट इंजन है, दो प्रकार के इंजन मैं आपको आगे बताऊंगा, स्क्रैमजेट और रैमजेट, अभी आप रैमजेट इंजन याद रखना, रैमजेट इंजन, रैमजेट। इसमें खूबसूरती ये होती है कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है उसी को ग्रहण करके काम में ले लेता है, तो रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है। आपको ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, राजेंद्र राडार, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी और रैमजेट इंजन। किसमें लगाया, ये लगाया गया साहब आकाश में। आकाश की तीन चीज पूछे, नींद में भी बतानी है, 1990 है, तीन आई आकाश की, राजेंद्र राडार है, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी और रैमजेट इंजन का प्रयोग इसमें किया गया। अब बात करते हैं साहब नाग की, नाग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाग और परीक्षा में पूछा भी जाएगा, 15 शब्दों में पूछा जा सकता है, 50 शब्दों में या प्री में पूछा जा सकता है नाग। अब बात करेंगे अपन नाग की, आकाश हो गया, अब बात करेंगे नाग की, नाग नाग अगर मैं ये कहूं कि पांचों मिसाइलों में से आपको सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ के जानी, तो नाग और अग्नि पांच पढ़ के जानी है, जो अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं अग्नि पांच, तो नाग मिसाइल, नाग है ये एंटी टैंक है, टैंक नाशक है ये, तो आपको पूछे कि पांचों में जो जो पांचों मिसाइलें हैं इसमें से एंटी टैंक, टैंक नाशक कौन से जो टैंक का नाश करे, नाग, ना और नाश, तो नाग नाशक है, टैंक नाशक, टैंक नाशक, ठीक है सर। एक बात, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ये इंफ्रारेड गाइडेड है, ऐसा बताया जाता है कि जो जो सांप होता है, नाग होता है, नाग वो अपना जैसे फन तान लेता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, फन के बाद में दिखाई नहीं देता उसको,
तो वो, या आपने एक और पढ़ा, एक और सुना होगा, एक किंवदंती है, अब ये सही भी है किंवदंती क्या, जैसे जोड़े में होता नाग और नागिन, आपने नाग को मार दिया तो फिर नागिन रात को आएगी, नागिन को मार दिया तो नाग रात को आएगा, आप सोच के देख लीजिएगी, या तो दोनों को निपटाओ या दोनों को ही मत छेड़ो, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब तक मारने वाले नाग या नागिन की आप अगर आंखें नहीं जला देते हैं, उस आंखों में वो तस्वीर ले लेता है, और असल में तस्वीर नहीं लेके वो पर्टिकुलर को टेम्परेचर कैच करता है, वो इंफ्रा कैच करता है, और वो इंफ्रा पता नहीं क्या लिंक है, वो उनके पास पहुंच जाता है जो जिंदा है, और वो फिर आके निपटा देता है सबको। तो इसका मतलब जो नाग वो इंफ्रा रेड गाइडेड है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इंफ्रा रेड गाइडेड, इंफ्रा रेड गाइडेड, इंफ्रा रेड गाइडेड, ठीक है सर। अगली बात, अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो नाग है इसके तीन संस्करण आए हैं, कितने, तीन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा इसको, नाग के तीन संस्करण, और नाग वो दागो और भूल जाओ पे कार्य करेगा, फायर एंड फॉरगेट, नाग को आपने छोड़ा है, नाग मिसाइल को अगले को खत्म करके ही आएगी, दागो और भूल जाओ, सो जाओ आराम से, बोले खत्म कर देगी, तो दागो और भूल जाओ प्रिंसिपल पे काम करती है। नाग के तीन संस्करण आए हैं जो तीनों आपको याद रखने, एक प्रोस्पिना है, एक ध्रुवास्त्र है, और एक सेंट है, तीनों याद रखना आप। तो नाग के कितने संस्करण आए, तीन, एक प्रोस्पिना, ध्रुवास्त्र और एक सेंट, सेंट आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि प्रोस्पिना, ध्रुवास्त्र और सेंट किसके संस्करण है, तो आप कहना सर ये नाग के संस्करण है, समझ में आ गई बात, ये आपको इतनी सारी चीजें नाग में याद रखना है, ठीक। अब आज की क्लास आधे घंटे की हो गई है, अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, कल की क्लास में अपन अग्नि पढ़ लेंगे और उसके बाद में बाकी सारा जो डिफेंस का सिस्टम बचा हुआ वो क्लियर कर लेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में मिसाइलों को लेकर क्वेश्चन पूछता है। अब मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, देखिए सबसे पहले ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ, सबसे पहले किसकी बात करी, पृथ्वी की। अब पृथ्वी पर आपको दो तीन पांच चीजें याद रखनी है, पृथ्वी संस्करण फर्स्ट, पृथ्वी संस्करण सेकंड, पृथ्वी संस्करण थर्ड, फिर प्रद्युमन, फिर अश्विन, ठीक है। पृथ्वी फर्स्ट की क्वालिटी बताओ, अब इधर कंसंट्रेट करो बोर्ड की तरफ, पृथ्वी फर्स्ट कब आई, 1988 में आई, मारक क्षमता 150 है और भारतीय सेना के लिए है, भारतीय सेना, ठीक है सर। पृथ्वी दो 1994, 1994 और 250 और एयरफोर्स, ठीक है सर। पृथ्वी तीन नौसेना के लिए, ये आपको ध्यान रखना 2004 नौसेना के लिए, और इसका एक विशेष नाम है, वो नाम है धनुष, धनुष। प्रद्युमन, प्रद्युमन और ये अश्विन दो इंटरसेप्टर मिसाइल है, प्रद्युमन का जो इंटरसेप्टर सिस्टम डेवलप किया गया उसका नाम है PAD, पृथ्वी एडवांस डिफेंस, और अश्विन जो है इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका नाम है AA, एयर एडवांस डिफेंस। ये पृथ्वी के बारे में आपको ये पेज याद कर लेना है। तो पृथ्वी मिसाइल के बारे में आप क्या याद रखेंगे, पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड, पृथ्वी थर्ड, प्रद्युमन और अश्विन, पृथ्वी फर्स्ट 1988 150 और भारतीय सेना के लिए, 994 250 एयरफोर्स के लिए, चार नौसेना, इसका नाम धनुष है, पैड पृथ्वी एडवांस डिफेंस, एयर एडवांस डिफेंस, ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में आपको बताया था मैंने त्रिशूल के बारे में, ठीक। तो सेकंड लेते त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल के बारे में आपको कुछ पेज याद, कुछ लाइन याद रखनी है, कब की बात है, 1990 की, इस पर एक राडार लगा हुआ, फ्लाइंग कैचर राडार,
1989, नो लास्ट में आ रहा, नो नो त्रिशूल के नो, फ्लाइंग कैचर राडार, राडार। इसके अलावा इसकी कोई और खूबी, इसका जो नेवी सेंस का उसका नाम बताओ, टारपीडो ना, टार पीडो। त्रिशूल किसका बना होता, तार का बना होता है, ऐसे तार को मोड़ मोड़ के त्रिशूल बनाते, तो तारपीडो इसका नेवी के लिए हो गया। इसके अलावा बात करें आकाश की, तो अगला आकाश, आकाश की बात है 1990 की। इसकी कुछ कुछ खूबसूरती आपको याद रखनी है कि इस पर जो राडार, उसका नाम है राजेंद्र राडार, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी और आकाश के तीन संस्करण आए हैं, और एक इसमें रेमजेट इंजन का यूज किया गया, रेमजेट इंजन। ये हो गया सर आकाश के बारे में। अब बात करते हैं नाग के बारे में। नाग, नाग ये एंटी टैंक है, मतलब टैंक का नाशक है, एक बात। दूसरी बात, इंफ्रा गाइडेड है, इंफ्रा गाइडेड। तीसरी बात, दागोर भूल जाओ, ये लिख लो, नहीं लिखवाया था, दागोर भूल जाओ। और नाग के तीन संस्करण आए हैं, प्रोश्पिना, दुर्वास्त्र, सेंट। प्रोश्पिना, ध्रुवास्त्र और सेंट, ये हो गया नाग। इसके बाद में अग्नि के बारे में कल पढ़ेंगे, और कल सारी मिसाइलें आपको पूरी करवा दूंगा। इसको मैं धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बैच आप अभी से चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद जैसे या तो 200 बच्चों का टारगेट रखेंगे या एक दिन का, उसके बाद इसको फीस बढ़ा देंगे इसकी, ताकि लिमिटेड रहे, तो मैं भाई बहुत ज़्यादा से अच्छे तरीके से उससे फोकस कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।